नमस्कार दोस्तों, मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद होम प्राइवेट लिमिटेड। आज बात कर रहे हैं बॉसिस के विषय में, जिसे पाइल्स या होमोराइक्स भी कहा जाता है। बॉसिस एक ऐसी बीमारी है जो करीब 60% लोगों में उम्र की किसी न किसी पड़ाव में होता ही है। हाँ, हालांकि ये गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचा होता है तो 4-5 दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। बॉसिस पाचन तंत्र कंस्टिपेशंस की बीमारी है। अगर खान पान सही तरीके से रखा जाए, अगर दैनिक जीवन में क्या खाएं और क्या ना खाएं रखा जाए तो बॉसिस को दूर रखा जा सकता है। जिन्हें बॉसिस हो चुकी है, खूनी बॉसिस या बादी बॉसिस, अपने खान पान से इसे धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। आप खान पान को सही दिशा में ले जा करके, सही डायरेक्शन में अपने दिनचर्या खान पान को रख करके बॉसिस को दूर रख सकते हैं। जैसे प्रतिदिन आप खाली पेट नियमित रूप से एलोवेरा के जूस का सेवन करें, जो आपको बाजार में भी आसानी से मिल जाते हैं या सभी घरों में एलोवेरा के पौधा देखने को मिलते हैं। एलोवेरा के पौधों से जूस निकाल करके इसे खाली पेट लें। ऐसा करने से इसमें औषधीय गुणों के कारण आपके पाचन क्रिया सही रहेंगी, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगी। साथ ही साथ दोनों बवासीर, खूनी बवासीर, बादी बवासीर में होने वाले दर्द, जलन, रक्त स्राव को ये खत्म करते हैं, इसमें आराम पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के सोजन वृद्धि गुण पाए जाते हैं। खाना खाने के बाद मट्ठे में काला नमक मिलाकर इसे नियमित रूप से लें। आप ऐसा करेंगे आपके पाचन क्रिया सही रहेंगे, बादी बवासीर और खूनी बवासीर में आपको लाभ मिलेंगे। आप नींबू का सेवन करें। नींबू में काला नमक मिलाकर के आप इसे प्रतिदिन आप लें। ऐसा करने से नींबू पानी पीने से आपके होने वाले बवासीर में आपको लाभ मिलेंगे। जीरे के पानी को पिए, एक चम्मच जीरे को उबाल लें, एक कप पानी के साथ इसे पिए। ऐसा करने से आपके खूनी बवासीर और बादी बवासीर को ठीक किया जा सकता है। जैतून के तेल का उपयोग करें। जैतून के तेल को रूई में डुबोकर इसे मल द्वार के पास लगाएं। मल द्वार के मसों पर लगाने से इसमें होने वाली पीड़ा को कम किया जा सकता है और रक्त स्राव को रोका जा सकता है। आप खाना खाने के बाद सौंफ फेनल का सेवन करें। प्रतिदिन सुबह और शाम अपने खाने के बाद सौंफ यानी फेनल को आप लें। ऐसा करने से फेनल का प्रयोग करने से भोजन सुपाच्य हो जाता है और बवासीर में होने वाली पीड़ा, खूनी बवासीर या बादी बवासीर में होने वाली पीड़ाओं से छुटकारा मिलती है। आप नियमित रूप में दूध में हल्दी मिलाकर के लें। ऐसा करने से हल्दी के औषधीय गुणों के कारण आपके जख्म, सूजन और खुजलीपन रहने के कारण आपकी जो परेशानियां होती है उसमें आपको राहत मिल जाती है। बवासीर में भोजन के साथ हरे एवं पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, जो फाइबर युक्त भोजन होते हैं। जैसे आप पालक, लौका कद्दू, तुरई, गोभी, पत्ता गोभी, शाक का आप नियमित रूप से सेवन करें। प्रोटीन युक्त भोजन करने से बचें। ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब कि प्रोटीन युक्त भोजन ना करें, लेकिन प्रोटीन युक्त भोजन बवासीर होने की स्थिति में सही मात्रा में करें। फलों का सेवन करें। रेशेदार फल, फाइबर युक्त फलों को सेवन करें, जो आपके शरीर को पौष्टिक तत्व देने के साथ साथ आपके बवासीर, खूनी और बादी बवासीर में आपको लाभ पहुंचाते हैं। प्रतिदिन आप तुलसी पत्ते की काढ़ा बना करके पिए। तुलसी पत्ते की औषधीय गुणों के कारण इसे एंटीबायोटिक, एंटीटॉक्सिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डिजीज के रूप में जाना जाता है। तुलसी पत्ते की काढ़ा का प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी
साथ साथ आपके इसके औषधीय गुणों के कारण पाचन तंत्र में आपको लाभ मिलते हैं। और किसी भी प्रकार की बवासीर, खूनी बवासीर और बादी बवासीर में इसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। नारियल की जटाओं को जलाकर भस्म बना लें, इसे ताजा मट्ठे के साथ लें। ताजा मट्ठे के साथ लेने से खूनी बवासीर में बहुत जल्द लाभ मिल जाती है। रोजाना 4 से 6 लीटर पानी का प्रयोग करें। ऐसा देखा जाता है कि बवासीर अधिकांश लोगों में पानी कम पीने की वजह से होता है। वो लोग भोजन करते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। बहुत कम पानी पीने की वजह से पाचन क्रिया सही नहीं रहते हैं, पाचन तंत्र का कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बवासीर की समस्या आ जाती है और उसका मुख्य कारण होता है कब्ज और गैस बनना। बवासीर हो जाने पर आप फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तेलीय पदार्थ का सेवन करने से बचें। मांसाहारी भोजनों से आप दूर रहने का प्रयास करें। धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जैसे गुटखा, सिगरेट, शराब का सेवन ना करें। आप मैदा से बने हुए सामानों का सेवन भी ना करें। आटा, तीखा और तीता भोजन करने से बचें। आटा, मीठा और तीखा भोजन करने से बिल्कुल भी आप बचें। अदरक और लाल मिर्च का प्रयोग अपने भोजन में बिल्कुल भी ना करें। आयुर्वेद में बवासीर को अर्थ कहा जाता है, जो कफ, पित्त और वात तीनों दोषों को उत्पन्न होने के कारण होता है, जिसे त्रिदोषज कहा जाता है। जिस बवासीर में कफ और वात की प्रधानता होती है, उसके अर्थ शुष्क होते हैं, जिसकी वजह से मांसपुरों में रक्त स्राव नहीं होता है, दर्द की पीड़ा सहनी पड़ती है। और जिस बवासीर में पित्त या रक्त पित्त की प्रधानता होती है, उसमें रक्त स्राव होता है। बवासीर 2 प्रकार की होती है, पहला खूनी बवासीर, दूसरा बादी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, इसमें रक्त स्राव होता है। रक्त मल त्याग करते समय बूंद बूंद या पिचकारी की तरह तेज आता है। बादी बवासीर में पेट की समस्या बनी रहती है, जिसमें कब्ज और गैस की प्रधानता होती है। इसके मांसपुरों से रक्त स्राव नहीं होता है। इसके मस्से आसानी से बाहर से देखे जा सकते हैं। इसमें खुजली, जलन और दर्द की समस्या बनी रहती है। मल त्याग करते समय रोगी को काफी पीड़ा सहनी पड़ती है। मल त्याग करने के बाद रोगी ठीक से बैठ और चल भी नहीं पाता है। लगातार अस्वस्थ खान पान रहने के कारण यह धीरे धीरे तकलीफ ही बढ़ती चली जाती है, जो रोगी को चलना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार यदि रोग गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचा होता है, तो यह 4-5 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन रोग बढ़ने पर ये लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। गुदा के पास कठोर गांठ जैसी महसूस होना तथा इसमें सूजन बने रहना, शौच के वक्त जलन के साथ साथ लाल चमकदार खून को आना, शौच करते समय अत्यधिक पीड़ा होना, गुदा के आसपास खुजली, लालीपन तथा सूजन बने रहना, बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना लेकिन मल का बाहर न निकलना। इन लक्षणों को देखे जाने पर नजरअंदाज कतई ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर पाइल्स का इलाज कराएं। साथियों, किसी भी बीमारियों को आयुर्वेद विधि से इलाज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक और आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।